स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग किसी फंक्शन का रेंज निकालना सीखेंगे। तो देखिए, रेंज पहले क्या होता है यह हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, फिर भी आप जानिए। किसी फंक्शन में जो x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उसके कलेक्शन को डोमेन कहते हैं, और उसके कैस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आ सकती है उसके कलेक्शन को हम लोग रेंज कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रोसेस देखते हैं। पहले किसी फंक्शन का अगर रेंज निकालना है तो पहले एफ एक्स को आप वाई लिख दीजिए, फिर x की वैल्यू y के टर्म में निकालिए, फिर ये डिस्कस करिए कौन कौन से y's हैं जिनके लिए x मिलेगा, मतलब कौन कौन से y है जिनके लिए x मिलेगा, इसका मतलब किनकी प्रीमिस मिलेगी। ऐसे सभी y को कलेक्ट कर लीजिए और यही हो जाएगा फंक्शन का रेंज। अब फॉलो करते हैं हम लोग इसको और फिर हम लोग देखेंगे एफ एक्स बराबर एक्स प्लस फाइव एग्जाम्पल है। प्रोसेस वाइज चलिए, एफ एक्स को आप वाई लिखिए, अब x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लीजिए, है ना, y माइनस फाइव। अब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि भाई कौन कौन से y हैं। देखिए, कौन कौन से y मतलब क्या बात हो रही है, कोई फंक्शन अगर डिफाइंड है तो उसका डोमेन और कोडोमेन तो होगा ना भाई। तो अब हम लोग मान लीजिए कि यह कोडोमेन को फिलहाल r समझ रहे हैं, इस फंक्शन का डोमेन r है, हालांकि हम डोमेन नहीं निकाल रहे हैं लेकिन इसका डोमेन हम लोग निकाल चुके r है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि इसमें अगर कोई नंबर है, जैसे अगर फाइव है तो क्या इसकी कोई प्री इमेज है, तो हम यहाँ से पता करेंगे। हाँ, जीरो है फाइव के लिए, इसका मतलब फाइव इसके रेंज का मेंबर है ना। वैसे ही अगर हम यहाँ पे टेन रखते हैं तो देखिए एक्स कितना आएगा, फाइव। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यह कह सकते हैं कि टेन भी इसके रेंज का मेंबर है। अब हमको ये देखना है कि क्या इसमें सभी रियल नंबर के लिए एक्स मिलेगा। तो देखिए, आप वाई की जगह आप कोई भी रियल नंबर रखेंगे, कोई ना कोई एक्स तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा इसमें। इसका मतलब क्या है कि एक्स एग्जिस्ट करेगा, एक्स इज एग्जिस्ट फॉर एवरी वाई एलिमेंट ऑफ आर, मतलब हर रियल नंबर के लिए एक्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब हर रियल नंबर इसके रेंज का पार्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। मतलब क्या कि आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को जो y मिलेगा हमेशा हर रियल नंबर हम लोग को मिलेगा। इसका मतलब है कि इस फंक्शन का जो रेंज है वह क्या हो गया, R। क्यों? क्योंकि हर y के लिए x एग्जिस्ट करेगा, मतलब मिलेगा, हर रियल नंबर की प्री इमेज मिलेगी। इसका मतलब हर रियल नंबर इसके रेंज का पार्ट होगा। तो इसका मतलब इस फंक्शन का रेंज क्या हो गया, R। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपान एक्स माइनस वन। तो पहले आप इसको y लिख दीजिए, प्रोसेस के हिसाब से कहा गया कि भाई आप एफ एक्स को y लिख दीजिए, फिर x की वैल्यू y के टर्म में निकालिए। निकालते हैं हम लोग, प्रोसेस वाइज चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यह हो गया y प्लस वन, ठीक है, x कॉमन ले लीजिए, y माइनस वन और y प्लस वन, और x की वैल्यू हो गई कितना, y प्लस वन अपान y माइनस वन। अब देखिए x कब एग्जिस्ट करेगा, x इज एग्जिस्ट, इसका मतलब प्री इमेज मिलेगी, किन किन y की मिलेगी, इफ़ y माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए क्यों, क्योंकि यह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, इसका y नॉट इक्वल टू वन। इसका मतलब है कि हर y की प्री इमेज मिलेगी लेकिन वन की नहीं, है ना। तो इसका मतलब है कि हर y इंगेज्ड है सिवाय वन के। इसका मतलब है कि इस फंक्शन का जो रेंज होगा वह ऑल रियल नंबर होगा एक्सक्लूडिंग वन। मतलब आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रियल नंबर्स आएंगे, वन कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन का जो रेंज है वह r माइनस वन है। तो देखिए प्रोसेस वाइज क्या, पहले एफ एक्स को y लिख दिया, x की वैल्यू y के टर्म में निकाला, फिर डिस्कस किया कि x कब एग्जिस्ट करेगा, तो x कब एग्जिस्ट करेगा, जो y माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो यानी y नॉट इक्वल टू वन, और ऐसे सभी y को हम लोगों ने क्या किया, कलेक्ट कर लिया। तो यही फंक्शन का रेंज हो गया, मतलब इस फंक्शन का रेंज हो गया r माइनस वन। अब हम लोग रेंज पर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यह क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस वन। तो सबसे पहले आप इसको y लिख दीजिए, y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए यह पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ना,
तो इसका मतलब जो y की वैल्यू है वह 0 या 0 से बड़ी ही आएगी, या इनिशियली डिसाइड हो चुका है कि y की जो वैल्यू है 0 या 0 से बड़ी आएगी। अब देखना है कितनी आ सकती है। तो ठीक है, प्रोसेस वाइज चलते हैं। x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन। तो देखिए, x इज एग्जिस्ट इफ y एलिमेंट ऑफ R, मतलब क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर रखिए y की जगह, x तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं करेगा भाई, कहीं रूट नहीं है, कहीं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर y के लिए प्री इमेज मिलेगा। इसका मतलब हर y जो हर रियल नंबर है वह इसके रेंज का पार्ट होना चाहिए। बट यहाँ पे ऊपर डिसाइड हो गया कि नहीं, y की वैल्यू या 0 या 0 से बड़ी ही होगी। इसका मतलब क्या है, ऐसे रियल नंबर जो 0 या 0 से बड़े हों, इसका मतलब हुआ कि इस फंक्शन का जो रेंज है वह क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0, मतलब 0 टू इन्फिनिटी, मतलब इस फंक्शन में जो इमेजेज आएंगी वह हमेशा 0 से इन्फिनिटी के बीच की आएंगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 0 भी आ सकता है, 0 टू इन्फिनिटी। दूसरा फंक्शन लेते हैं एफ एक्स बराबर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको वाई लिख दीजिए, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे भी वही बात है कि y ग्रेटर इक्वल टू 0, क्यों, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ना। तो अब x की वैल्यू y के टर्म में निकालिए, तो देखिए अब क्या आ जा रहा है यहाँ पर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब क्या लिखेंगे, x इज एग्जिस्ट इफ, कब, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x की वैल्यू अगर हम निकालते तो प्लस माइनस क्या आता, 9 माइनस वाई स्क्वायर ना। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि x इज एग्जिस्ट इफ कब, 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या 9 इज ग्रेटर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब देखिए, यह डिस्कस करने के लिए कि इसको कौन से वाई होल्ड करेंगे, तो हम लोग नंबर लाइन बना लिए। यह देखिए कि यह एग्जैक्टली किसका स्क्वायर है जो 9 आएगा, वाई का की वैल्यू क्या होगी कि 9 आएगा, 3 और माइनस 3, यह ऐसा हम लोग डोमेन भी कर रहे थे। अब यह नंबर तीन पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं, बारी बारी से रख के देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 माइनस 3 और यहाँ पे प्लस 3 था ना, तो 3 से बड़ा नंबर रखिए 4, तो 9 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16, नहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, तो इसको कट कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसके बीच का नंबर रखिए 1, तो सेटिस्फाई कर रहा है, इससे छोटे नंबर रखिए तो देखेंगे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डिसाइड हो रहा है कि y की जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वह माइनस 3 और 3 के बीच की होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, इनिशियली यह डिसाइड हो चुका था कि y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो बट y ग्रेटर इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो y की वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट करेंगे वो माइनस 3 से 3 ना होकर के बल्कि 0 से 3 होगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर ठीक है यह कंडीशन तो फॉलो हुई, लेकिन यहाँ पे यह पहले ही डिसाइड हो गया था कि y 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाले y कौन से हैं, 0 टू 3। इसका मतलब है कि आप इसमें कोई भी वैल्यू x की सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो इमेजेज आएंगी हमेशा 0 और 3 के बीच में आएंगी। ठीक है, तीसरा पार्ट देखते हैं, एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 है ना। तो यहाँ से फिर डिसाइड हो गया वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। अब उसके बाद देखिए x की वैल्यू y के टर्म में निकालिए, तो यहाँ पर देखिए इसको हम निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो वाई स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा ना, यह तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए x इज एग्जिस्ट कब, इफ वाई स्क्वायर रूट आ गया ना, प्लस 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 25। अब देखिए, अब हमको ऐसे y खोजने हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये देख रहे हैं कि स्क्वायर तो हमेशा निगेटिव से बड़ा होता है ना, तो हर y इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब यहाँ से निकल के आया कि y एलिमेंट ऑफ R, मतलब हर रियल नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हर रियल नंबर का स्क्वायर माइनस 25 से ज़्यादा ही होगा। बट यहाँ देखिए, इनिशियल जो कंडीशन थी y 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब रियल नंबर तो होना चाहिए लेकिन 0 या 0 से बड़ा, तो इस फंक्शन का जो रेंज होगा वह हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी,
मतलब इसमें आप x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो इमेजेज आएंगी वो जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक आएंगी। इसका मतलब इस फंक्शन का जो रेंज है जीरो क्लोज है और इन्फिनिटी पे ओपन। तो यह इस क्वेश्चन का हम लोग रेंज बहुत ईजिली फाइंड कर पाए। प्रोसेस क्या था कि एफ एक्स को पहले y लिखिए, x की वैल्यू y के टर्म में निकालिए, फिर यह डिस्कस करिए कि किन किन y के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है। जिन जिन y के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है उन सभी y को कलेक्ट कर लीजिए और वही फंक्शन का रेंज हो। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गिवेन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको आप y लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए हम लोग बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका रेंज हम लोग एडजस्टमेंट करके भी निकाल सकते हैं और पिछला जो मेथड लिखाया था उसको फॉलो करके भी निकाल सकते हैं। तो हम अब यह सिखा रहे हैं आपको कि कुछ क्वेश्चंस के जो रेंज हैं वो एडजस्ट करके भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको ये पता करना ना कि वाई की क्या वैल्यू आ सकती है। तो अब देखिए एक फैक्ट वाइज काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एडजस्टमेंट देखेंगे। ये बताइए एक्स स्क्वायर है वह जीरो से बड़ा होता है, एग्री करेंगे ना, जीरो जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। और अगर हम इसमें वन जोड़ दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन से छोटा होता है। अब हम देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम एक एडजस्टमेंट करके या वाई जानना चाह रहे हैं। अब इस पूरे इन इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो देखिए जीरो हो गया। अब यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया तो अब यहाँ पर देखिए यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ कितना हो गया वन। अब ऐसा क्यों किया, देखिए यहाँ पे हम वाई बनाने के लिए एडजस्टमेंट किए तो वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो लेस देन वन, मतलब आपको यह पता चल गया कि जो वाई की वैल्यू होगी वह जीरो जीरो से बड़ा लेकिन वन से छोटी होगी, यही तो वाई है ना। और y के कलेक्शन को ही तो रेंज कहते हैं, इसका मतलब इस फंक्शन का जो रेंज होगा वह हो जाएगा जीरो से लेकर के वन तक, वन ओपन। दूसरा मेथड क्या था कि आप वैसे क्वेश्चन को लगाते जैसे हम लोग फॉर्मूले लगा रहे थे, पिछले कुछ क्वेश्चन लगाए, आप इस तरीके से एडजस्ट करके भी निकाल सकते हैं। हाँ, कोशिश ये होनी चाहिए कि जो y की वैल्यू है वह किस कंडीशन को फॉलो कर रही है, अब उसके लिए एडजस्टमेंट अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप फिर पहले मेथड के साथ जा सकते हैं। अब देखिए दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस टू, है ना, चलिए ठीक है, इसको वाई लिख दीजिए, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे भी देखिए एडजस्टमेंट करते हैं, ध्यान दीजिए हम वाई की वैल्यू पता करना है हमको ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मॉड के बारे में आप जानते हैं जीरो या जीरो से बड़ा होता है, ठीक है, और अगर हम दोनों तरफ 2 ऐड कर देते हैं, जो मॉड x है 2 इधर ऐड कर दिया और राइट साइड में भी ऐड कर दिया, ठीक। तो अब ये देखिए ऐड करने के बाद यह y लिख सकते हैं, y क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब यह हुआ कि जो y की वैल्यू है 2 या 2 से बड़ी ही होगी, इसका मतलब हुआ इस फंक्शन का जो रेंज है वह 2 टू इन्फिनिटी हो गया। मतलब आप x कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे जो y की वैल्यू आएगी 2 या 2 से बड़ी आएगी, ठीक है। अब हम लोग देखिए तीसरा पार्ट आते हैं, यह सभी हम एडजस्ट करके निकाल रहे हैं, क्या है x स्क्वायर प्लस 4, अब इसको y लिख दीजिए, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, फिर एडजस्टमेंट देखिए, देखिए x स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, क्लियर है, ये जानते हैं ना किसी क्वान्टिटी का स्क्वायर 0 से बड़ा होता है। अब देखिए दोनों तरफ हमने 4 ऐड कर दिया, है ना, तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर इक्वल टू 4 हो गया, आप इसको y लिख दीजिए, तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि जो y की वैल्यू है हमेशा 4 या 4 से बड़ी है, इसका मतलब इस फंक्शन का जो रेंज है वह 4 या 4 से बड़े नंबर्स हुए, ठीक है। अब एक पार्ट हम लोग और देखते हैं, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5 है, यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि x की जो वैल्यू है 7 से बड़ी है ना, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को रेंज निकालना है। देखिए यहाँ पे कंडीशनल रेंज निकलेगी, मतलब x कुछ भी नहीं है 7 से बड़े नंबर ही है, तो देखिए यहीं से शुरुआत करते हैं, x ग्रेटर देन 7 इतना इसको बनाइए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो 2x और यह हो गया 14 और 5 सबट्रैक्ट कर दीजिए तो 2x माइनस 5 और इधर भी 5 सबट्रैक्ट कर दीजिए, 14 में से 5 9, इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि जो y की वैल्यू है
वह 9 से ग्रेटर आ रही है। वाई की वैल्यू क्या 9 से ग्रेटर आ रही है, क्यों? क्योंकि जो x की वैल्यू है 7 से ग्रेटर है। इसको लेके हम चले और ये पता कर पाए कि दिस मीन्स क्या, y बराबर 2x-5 जो कि यहाँ पर आया 9 से ग्रेटर। इसका मतलब यह इम्प्लाइज कर रहा है कि इस फंक्शन का जो रेंज है वह क्या होगा, ओपन इंटरवल 9 से इन्फाइनाइट। मतलब आप इसमें कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे जो y की वैल्यू आएगी 9 से ग्रेटर ही आएगी। इसका मतलब है कि इस फंक्शन का जो रेंज है वह 9 टू इन्फिनिटी। यह देखिए कंडीशनल रेंज था क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 7 से बड़ी ही लेनी थी। अगर यह नहीं होता तो फिर आप इसका रेंज निकालते तो आंसर आर रियल नंबर आता। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन हमने अभी जो लिखे थे यह सभी क्वेश्चन हम लोग एडजस्ट करके रेंज निकाले। देखिए रेंज निकालने का कोई एक स्पेसिफिक मेथड नहीं है, फिर भी हम लोग पिछले तरीके से जो फॉर्मूले निकाल रहे हैं वैसे या फिर एडजस्टमेंट करके किसी फंक्शन का रेंज निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने रेंज निकालना सीखा, कैसे किसी फंक्शन का रेंज हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए सीखते।